3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आधी रात को जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे और लाखों लोगों को गैस की वजह से परमानेंट इंजरी हुई थी। इसे दुनिया की सबसे भीषणतम इंडस्ट्रियल त्रासदी में से एक माना गया, लेकिन गैस पीड़ितों के आंकड़ों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। सरकारी आंकड़े ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 5,295 लोगों की मौतें गैस की वजह से हुई है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 विधवाओं को पेंशन देती है क्योंकि उनके पतियों की मृत्यु गैस की वजह से हुई है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब 5,000 को विधवाओं को पेंशन मिलती है तो इसका मतलब है 5,000 शादीशुदा पुरुष खत्म हुए, क्या उतनी महिलाएं नहीं खत्म हुई होंगी, क्या उतने बच्चे नहीं खत्म हुए होंगे, क्या उतने कवारे लोग नहीं खत्म हुए होंगे। तो जो आंकड़ा है जो ICMR 25,000 के करीब है, मध्य प्रदेश सरकार लिखित आंकड़ा 15,248 है, पर कोर्ट को गुमराह करके सिर्फ 5,000 बताया जा रहा है। ऐसे ही इंजरीज के मामले में, क्षति के मामले में केंद्र सरकार कह रही है कि 5,74,000 गैस पीड़ितों में से 5,21,000 को सिर्फ एक दिन की चोट पहुंची और वो ठीक हो गए, जिन्हें उन्हें 25,000 रुपए दिया गया। और हम ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने अस्पतालों के आंकड़े देखेंगे, शोध के आंकड़े देखेंगे, भोपाल मेमोरियल के आंकड़े देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वही 5,21,000 लोग सालों से इलाज ले रहे हैं, तो उनकी चोट एक दिन की कैसे हो सकती है। उनके खुद के आंकड़े हैं, उनके खुद के दस्तावेज हैं, उनको बस इतना करना है कि सरकार को कोर्ट के सामने ये सच पेश कर सके, गुमराह करना बंद करें, तभी गैस पीड़ितों को उनका हक मिल पाएगा। साल 2010 में इस विवाद को सुलझाने और गैस पीड़ितों के सही आंकड़ों के आधार पर त्रासदी के लिए जिम्मेदार डाउ केमिकल से मुआवजा वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी। लेकिन जब 12 साल बाद 20 सितंबर 2022 को इस केस की सुनवाई हुई तो सरकार आंकड़े पेश नहीं कर पाई। 2010 में केंद्र सरकार ने खुद ये माना और स्वीकार किया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन भोपाल ने, कि गैस पीड़ितों को वाकई में कम मुआवजा मिला है और यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से अतिरिक्त मुआवजा लेने के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर करी बड़ी दुखी मन से। उसके साथ ही 5 गैस पीड़ित संगठनों ने भी उस याचिका में इंटरवेंशन की और कोर्ट ने उनको याचिकाकर्ता बनाया। 11 साल बाद लगभग वो केस सुनवाई पे आया है और हमें ये दिखाई दे रहा है कि सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस मामले को परस्यू करने में। सरकार ये नहीं चाहती कि गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिले और कंपनियों से वो सही मुआवजा लेना नहीं चाहती। एक बड़ा विवाद मुआवजे की रकम और गैस पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी है। मुझे पता है कि हम बात करते हैं कि 38 साल हो गए और अभी तक क्यों लोग मुआवजा मांग रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि 38 साल बाद भी विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी के लोगों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा मिला है जिंदगी भर की तकलीफों के लिए, और वो पैसा कोई एक मुश्त नहीं मिला, वो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में मिला है। 646 अरब रुपए कंपनियों से मांग रहे हैं और सरकार इसका एक सातवां भी नहीं मांग रही है। तो इन दोनों मांगों के साथ हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट गैस पीड़ित संगठनों को भी सुने और दूसरा सरकार अपना दायित्व निभाते हुए गैस पीड़ितों के हित की बात कोर्ट के सामने रखें ताकि यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल कंपनी से सही मुआवजा गैस पीड़ितों को मिल सके। इस घटना को 38 साल गुजर चुके हैं और पीड़ित आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को इस केस की अगली सुनवाई है। भोपाल में गैस पीड़ितों की हक की लड़ाई लड़ रहे संगठन हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं ताकि PM मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान के कानों तक आवाज पहुंचाई जा सके।